श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो आपको शनिवार के दिन शाम के समय करने हैं प्रदोष काल में। ये उपाय आपको रोग से मुक्ति देंगे, कर्ज से मुक्ति देंगे। अगर आपके घर में, आपके कारोबार को, आपके व्यापार को नज़र लग गई, ऐसा लगता है कि सब कुछ ठप हो गया, किसी की ऐसी नज़र लग गई है सब कुछ बंद हो गया, तो उससे भी आपको मुक्त करेंगे। और आपके घर में दुर्घटना जल्दी जल्दी हो जाती है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। गुरु जी ने बताया इनमें से आप कोई एक उपाय भी कर लेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो पहला उपाय है कि आपको एक दीपक तैयार करना है गोल बत्ती का, उसमें आपको सरसों का तेल डालना है। इस दीपक को लेकर आपको शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे जाना है और चाहे उत्तर दिशा की तरफ, पूर्व की तरफ आपको मुँह करके आपको ये दीपक जलाना है। दक्षिण की तरफ ना करें, पूर्व या उत्तर की तरफ आपको मुँह करके आपको दीपक जलाना है और गोल बत्ती का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए और आपकी जो भी दिक्कत परेशानी है वो आप बाबा से कहिए। आपकी जो भी दिक्कत परेशानी होगी, जो भी दिक्कत है वो आपकी समाप्त होगी। और दूसरा उपाय, अगर आपके घर में रोग बहुत है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बनी रहती हैं, कभी कोई बीमार है या किसी इंसान को लगातार कोई ना कोई बीमारी बनी है, तो आपको क्या करना है, आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है, उसमें दो लंबी बत्ती तैयार करनी है और वो डालनी है। यानी चार चार बत्ती वाला दीपक तैयार करना है, जो दो बत्ती क्रॉस में आपको आटे के दीपक में लगानी है। फिर उसमें तेल भर देना है और उसे जलाना है। जलाकर आपको जो इंसान बीमार रहता है आपके घर में उस पर 21 बार उतारना है और उतारते समय आपको नरसिंह भगवान का नाम लेना है। इसका स्मरण करना है, नरसिंह भगवान का आपको स्मरण करना है, 21 बार उतार दीजिए। और फिर वही दीपक जो आटे का आपने तैयार किया है उसे आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दाहिनी ओर यानी सीधी ओर आपको रख देना है। रखते समय भी आपको नरसिंह भगवान का ध्यान करना है और आपके रोग, चाहे आपको बीमारी हो या आपके घर में जिसे भी रोग है, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी है कि वो उसका रोग समाप्त हो जाए। अगर ऐसा है कि आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे, बिल्कुल पढ़ ही नहीं रहे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आपको, सफल नहीं हो पा रहे, मेहनत भी कर रहे हैं तब भी सफल नहीं हो पा रहे, तो आपको एक उपाय प्रारंभ करना है, ये भी आपको शनिवार के दिन ही करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है कि आपको रात में काले तिल भिगो देने हैं। और काले तिल आपको कहाँ भिगोने हैं, जब जहाँ आप किचन में पानी भरकर रखते हैं, परिंदा जिसे गुरुजी कहते हैं कि पितरों का स्थान होता है, उस जगह आपको थोड़े से काले तिल भिगोकर रख देने हैं। और सुबह उन तिलों को अपने जो आपने लोटा तैयार किया है, जल तैयार किया है, उसमें वो भीगे हुए काले तिल आपको डालने हैं। अगर हो सके तो आप पीपल के वृक्ष पर चढ़ा दीजिए, और ना अगर आपका बच्चा चढ़ा सकता है तो उसे चढ़ाने दीजिए। और चाहे पीपल के वृक्ष के नीचे, चाहे बेल वृक्ष के नीचे या समीपत्र के, इनको ये उपाय आपको सुबह करना है। आपको यह जल चढ़ाना है, जो तिल मिला हुआ मिश्रित जल है वो आपको काले तिल, ध्यान रखिए काले तिल भिगोने हैं, और वो वाला जल आपको सुबह अपने पात्र में मिला लेना है। वो जो तिल है वो निकाल कर आपको अपने लोटे में मिलाने हैं, और वो जल आप चाहे आपके घर के पास जो भी वृक्ष हो, पीपल का, आंवले का या समी वृक्ष, इनमें आपको चढ़ाना है, किसी एक वृक्ष में, सब में नहीं, किसी एक वृक्ष में आपको चढ़ाना है। ये उपाय आप अपने खुद कीजिए, और जो भी आपकी परेशानी है बच्चों के प्रति वो आप उसके लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, चाहे अपने बच्चों से ही जल चढ़वाइए। ये आप शुरू कीजिए, देखिएगा आपके बच्चे की जो पढ़ाई की समस्या है वो समाप्त होगी, उसका पढ़ाई में मन लगेगा और वो उसे सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिए, देखिएगा आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय महाकाल।